दोस्तों, विंबलडन इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रेस्टीजियस टेनिस टूर्नामेंट है। ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एंड लॉन टेनिस क्लब ने 1877 में पहली बार इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। सबसे पहले टूर्नामेंट में कुल 22 मेल पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेंट्स अलाउड नहीं थी, और उस टाइम की एंट्री फीस थी 11 यूरो। पार्टिसिपेंट्स को अपनी किट्स खुद अरेंज करनी पड़ती थी, पर खेलने के लिए टेनिस बॉल्स क्लब प्रोवाइड करता था। उस टाइम टोटल क्लब की सीटिंग कुछ 200 लोगों की थी, और आज ऑलमोस्ट 145 साल बाद ये हर साल 350 से 400 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाती है, जिसमें 50 से 60 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। पर कैसे बन गया विंबलडन इतना बड़ा और क्या है इनका बिजनेस मॉडल? चलिए विंबलडन की एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं। 1885 में सबसे पहले वुमेन्स चैंपियनशिप खेला गया, जो कि मेन्स चैंपियनशिप के ठीक बाद खेला जाता था, और वुमेन्स की एंट्री फीस भी मेन्स से एग्जैक्टली आधी होती थी। 1889 में इस कॉम्पिटिशन की पॉपुलैरिटी और बढ़ी, जब विलियम रेनशॉ, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ टेनिस भी बोला जाता है, उन्होंने अपना 7th टाइटल जीता, जिसमें से 6 स्ट्रेट विंस थे। एक तरीके से उनको टेनिस को एज अ स्पोर्ट रेवोल्यूशनाइज करने का क्रेडिट भी दिया जाता है, जिसकी वजह से और प्लेयर्स आए और स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। 1908 में पहली बार लंदन में ओलंपिक्स होने के कारण विंबलडन में ओलंपिक टेनिस खेली गई, और 1937 में उनको टेलीविजन कवरेज मिला, जहां 2 कैमरे से बीबीसी ने पहला मैच कवर किया, और 1970 में पहली बार फाइनल बिली जीन वर्सेस मार्गरेट कोर्ट कलर में दिखाया गया। 1977 में विंबलडन ने अपने 100 साल पूरे किए, और उसके सेलिब्रेशन में एक म्यूजियम खोला, जो आज तक उनके लिए एक एसेट है। 1997 में एक न्यू कोर्ट नंबर 1 का इनॉग्रेशन हुआ था, जहां अब 11,000 स्पेक्टेटर्स बैठ सकते थे, जिसमें थे हॉस्पिटैलिटी सुइट्स, मर्चेंडाइजिंग शॉप्स, फूड विलेज और डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक लाउंज। और 2009 में इस सेंटर कोर्ट को रेन प्रूफ बनाया गया था। विंबलडन ने पिछले साल 58.7 मिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, और 2021 में 54.2 मिलियन डॉलर्स का, और इस साल प्राइज मनी 44.7 मिलियन पाउंड्स यानी 56.52 मिलियन डॉलर्स है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट 11.2% का इंक्रीज है। एक मजे की बात यह भी है कि 2020 में कोविड की वजह से जब टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था, तब भी क्लब ने 50 मिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। कैसे? अपनी 200 मिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। पर इनका रेवेन्यू बेसिकली 5 चीजों से आता है। पहला, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो कि 56% रेवेन्यू देता है, ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर्स। दूसरा, स्पॉन्सरशिप, जिसमें 16% रेवेन्यू आता है, अप्रॉक्सिमेटली 58 मिलियन डॉलर्स। तीसरा है टिकट सेल्स, विच इज अगेन 16% ऑफ द रेवेन्यू, अप्रॉक्सिमेटली 58 मिलियन डॉलर्स। और चौथा है कंसेशंस एंड मर्चेंडाइज, जिसमें 12% रेवेन्यू आता है, अप्रॉक्सिमेटली 42 मिलियन डॉलर्स। अब इन सभी स्ट्रीम्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। विंबलडन के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होते हैं, पर ताज्जुब की बात यह है कि US ओपन के राइट्स एक्चुअली विंबलडन से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये चीज 2017 में बदली, जब US ओपन की होम पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ने लगी, और धीरे धीरे विंबलडन का इंटरनेशनल राइट्स की वजह से डॉलर के ऊपर कमांड कम होने लगा। दूसरा है टिकट सेल्स, पर यहाँ भी ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन बाजी मार जाते हैं, क्योंकि उनकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और विंबलडन में एज सच कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। विंबलडन के सेंटर कोर्ट में 2017 में रेनोवेशन जरूर हुई थी, पर कैपेसिटी कुछ सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं बढ़ाई गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक साल में 8,12,000 टिकट्स, US ओपन में 6,31,000 टिकट्स, और विंबलडन में 5,00,000 टिकट्स बिक सकती हैं। पर फिर भी इसमें विंबलडन 55 to 60 मिलियन डॉलर्स कमा लेता है। विंबलडन की सेंटर कोर्ट कैपेसिटी मैक्सिमम 15,000 लोगों की है, और US में वही चीज 23,771 की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विंबलडन का टिकट प्राइस एक्चुअली US के टिकट प्राइस से बहुत कम है। ग्राउंड पास $10 तक का है, और सेंटर कोर्ट की प्राइस ऑलमोस्ट $300 तक जाती है। पर ये टिकट प्राइस हर साल बदलते रहते हैं। इन सब का इफेक्ट ऑब्वियसली प्लेयर की प्राइस मनी पर भी पड़ता है, जहां US ओपन ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। तीसरा स्ट्रीम है स्पॉन्सरशिप। विंबलडन की स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटजी एक्चुअली बहुत लॉन्ग टर्म और सटल होती है। वो दूसरे टूर्नामेंट्स की तरह, जैसे IPL, क्रिकेट, फुटबॉल या दूसरे टेनिस टूर्नामेंट्स ही क्यों ना हो, उनकी तरह अपने स्पॉन्सर्स को ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं देती। वो इसलिए क्योंकि विंबलडन एक क्लासी टूर्नामेंट माना जाता है, और उसकी सैंक्टिटी को बचा के रखने के लिए ऐसा किया जाता है। इनके पास ऑलमोस्ट 14 ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, और इसमें सबसे पुराना है स्लेजेंजर, जो उनको 1902 से टेनिस बॉल्स प्रोवाइड करता आया है, और उनका ऑफिशियल टाइमकीपर है रोलेक्स। और चौथा है कंसेशंस एंड मर्चेंडाइज। AELTC अपना मर्चेंडाइज यूजुअली ऑनलाइन बेचता है, और उनका प्राइस अराउंड $50 to $250 के बीच में रहता है।
और इनकी कंसेशंस भी ज़्यादा बिकते हैं, जिसमें सबसे फेमस है $3 पर सर्विंग की स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, जिसके ऑलमोस्ट 200,000 सर्विंग्स एक सीजन में बिकते हैं। पर ये टूर्नामेंट कई सारे रीजंस की वजह से स्पेशल है। पहला ये माना जाता है कि टेनिस का बर्थ यहीं हुआ था। दूसरा ये कि इनके ट्रेडिशंस और इनके एटिकेट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं। मतलब आज भी अगर किसी फीमेल प्लेयर का नाम बोर्ड पर लिखा जाता है तो उसके सामने मिस या मिसेस लगा के ही। तीसरा ये कि इनके बॉल बॉयज और इनके अंपायर्स के कपड़े भी ग्रीन और पर्पल से कॉम्प्लीमेंट होते हुए सालों से चलते आ रहे हैं। इनका एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि ये एक ऑल वाइट्स टूर्नामेंट है और दूसरे टूर्नामेंट्स की तरह पार्टिसिपेंट्स कलर्ड जर्सीज नहीं पहन सकते। और पांचवा ये कि विंबलडन जीतना एक ग्रेटनेस की निशानी है, इसलिए हर एक प्लेयर अपनी जिंदगी में एक बार इस ट्रॉफी को उठाने का सपना जरूर देखता है। इन्हीं रीजंस की वजह से आज भी 150 साल बाद विंबलडन की ब्रांड वैल्यू कायम है, जिसकी वजह से वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस बिजनेस को रन कर पाते हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें या कोई बिजनेस केस स्टडी कवर करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।